भाई सीता मैया है अशोक वाटिका में, अशोक जहाँ कोई दुख ना हो, इसीलिए तो अशोक के पत्तों के भद्रवाल बांधते हैं या पूजा में लेते हैं कि कोई भी शुभ काम में विघ्न बाधा ना आए। बोले अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी है और रोज राम की राह देखती है। रावण बहुत परेशान करता है। रावण भी ये जानता था कि मुझे राम के हाथों मरना है, लेकिन राम से बैर नहीं लूँगा तो राम जी मुझे मारेंगे नहीं और मेरा उद्धार नहीं होगा। जब वो अशोक वाटिका में सीता मैया को बैठा गया तो अपने घर भी तो ला सकता था, लेकिन उसको भी पता था, वो भी राम का इंतजार कर रहा था कि राम आए और राम के हाथों ही मेरा उद्धार हो। तो अब जो है हनुमान जी कहने लगे, भाई तू यहाँ कैसे रह रहा है इस राक्षस कुल में? बोला भाई हम तीनों भाइयों ने बहुत तपस्या की थी। रावण ने शक्ति मांगी, भक्ति मांगी, लंका मांगी सोने, और मेरे कुंभकर्ण बीच वाले भाई ने नींद मांगी कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। मांगे तो था बेचारा कि मैं 1 दिन सोऊं और 6 महीने जागूं, लेकिन ब्रह्मा जी सरस्वती देवी से कहने लगे, सरस्वती अगर ये 6 महीने जागेगा और 1 दिन सोएगा तो ये तो राक्षस इतना भारी है, इसका भोजन इतना भारी भोजन है इसका, ये तो बहुत राक्षसाना खा जाएगा, बहुत जीव हत्या हो जाएगी, सब कुछ खाली हो जाएगा। जब ये वरदान मांगे तो इसकी जीभ पर बैठकर और ये बोलना कि 1 दिन जागूँ और 6 महीने सोऊँ और जब तक मैं तथास्तु कह दूँगा। बोली ठीक है भगवान। तो बोला इसने जो है 1 दिन जागना और 6 महीने सोना मांग लिया, और मैंने राम की भक्ति मांग ली कि मैं भगवान का भजन करूँ। तो बोला ये हमने तीनों भाइयों ने तपस्या करके और भक्ति का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा ऐसा ऐसा। तो बोला भाई कैसे रहे, भक्ति कैसे करे तू राक्षस कुल में? बोला जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है ना, बच बच के अपना बचाव करती है, मैं भी ऐसे ही भक्ति करता हूँ। बोला रावण गुस्से में नियंत्रण? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला मैं बाहर जो दिखावा नहीं करता। तो ये बात त्रिविक्रम जी ने उनके लिए कही जो कहते हैं राम कैसे रटूं, सत्संग में कैसे जाऊं, भक्ति कैसे करूं, सुमरण कैसे करूं, छोरा नाटे, बहू नाटे, बालका का पापा नाटे, घर में काम। बोला काम करते करते भी भगवान का नाम ले सकते हो, खाट में लोटे रहो तुम और भी तो कितने कितने ध्यान ले जाओ, रोटी बनाओ, घर का कोई भी काम करो, ध्यान तो कहीं कहीं चला जाता है ना, झाड़ू लगा रहे हो किसको क्या पता तुम्हारा ध्यान कहाँ है।